Hello everyone, we have done till the question number 15 of exercise 2F factor multiple RS Agrawal book class 6. हमने chapter 2 factor multiple exercise 2F के 15 तक कर लिया था. अब हमको 16 से continue करना है. तो 16 question क्या कह रहा है? The greatest number which divide the 134 and 166 leaving 2 as a remainder in each case. ग्रेटेस्ट नंबर बता रहा है जो 134 167 से डिवाइड होने पे 2 क्या दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है. तो हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 134 है ना, 134 और 167 में से दोनों में से 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो हमको यहाँ मिल जाएगा 132 और यहाँ मिलेगा 165. अब ये जो 132 एंड 165 मिला है इसका क्या करना होगा, इसका हम लोग ले लेंगे एचसीएफ. तो 132, 165 इसका एस सी एफ ले, तो 2 6 12, 2 6 12, 2 3 3 3 1 1 11 टाइम में, ठीक है. अब इसको करें 3 से 3 5 15, 3 5 15, 5 1 11 हो गया, 11 1 पेयर. अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन पेयर बन रहा है, यहाँ पे दो कॉमन पेयर बन रहे हैं, एक 3 का बन रहा है और एक 11 का पेयर बन रहा है. तो 3 × 11 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 33. आंसर क्या आया, 33. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40. क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है 24, 36 और 40 का. तो 24, 36 और 40 का एलसीएम हो जाएगा, 2 से करें तो 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 8 16 और ये 20 टाइम में, 2 6 2 9 10, 2 3 9 और 5, 3 से करें 1 3 5, अगेन 3 1 5 और 5 से 1 1 1. नीचे क्या मिल गया, 1 1 1, और इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 360. तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 360. क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसमें भी क्या फाइंड करना है, हमको एलसीएम फाइंड करना है 12, 15, 20, 27 का एलसीएम फाइंड करना है. तो 2 से स्टार्टिंग करें तो 2 6 12, ये 15, 2 10 टाइम में 27, 2 से 3 टाइम में 15 5 27, 3 से करें तो 1 5 एंड ये 5 और ये 9 टाइम में, फिर 3 से 1 5 5 और 3, और 3 से करें 1 5 5 और ये 1. अब 5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा नीचे 1 मिल जाएगा. और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 4, 3 × 3 × 3, 5, तो हमको मिलेगा 550. क्या मिल जाएगा हमको, 550. 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 and 36 6 36 3 3 6 18 3 3 9 8 10, 108 × 5, 108 × 5, 5 4 5 8 44 और 5 1 5, कितना आ रहा है, 540. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय द 3 इज डिविजिबल बाय 14, 28, 36 एंड 45. आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको, जिसमें से 3 कम करने के बाद हमको क्या, ये इन सब नंबर से क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए. तो पहले जो 14, 28, 36 एंड 45 दिया, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं. तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम होगा 14, 28, 36 एंड 45 का एलसीएम करें तो 2 से स्टार्टिंग करें तो 2 7 14, 2 1 2, 2 8, फिर आ जाएगा हमारा 2 1 2, 2 8 16, और ये क्या हो जाएगा हमारा 45 एज इट इज. नोट करेंगे बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा ना. फिर 2 से करें 7 हो गया और ये हमारा हो गया, यहाँ 14 आएगा, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये 45 हो गया. फिर 2 से इसमें कुछ भी डिविजिबल नहीं है. अब 3 पे आ जाते हैं तो 3 से करें तो 7 नहीं कटेगा, 7 ऐसे ही और ये 3 टाइम में और ये 15 टाइम में. फिर से 3 से करें तो 7 7 1 और ये 5. अब 5 से 7 ऐसे ही, 7 एज इट इज नोट करेंगे, फिर 1 ये 1. अब 7 से कर देंगे तो 1 1 1. एलसीएम क्या मिलेगा हमको, हमको एलसीएम मिल जाएगा
क्वेश्चन नंबर एलसीएम में मिलेगा 1 2 6 0, एलसीएम क्या आएगा 1 2 6 0, इसका मल्टीपल करने पे हमको 1 2 6 0 मिलेगा। 2 2 4 4 4 12 एंड 12 3 36, 36 इंटू 5 कितना होता है 5 6 30 एंड कैरी में 3, 5 6 15 16 17 18 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 0 7 8 56 कैरी में 5 7 7 8 9 10 11 12, एलसीएम 1 2 6 0 आ रहा है। अब ये 1 2 6 0 में क्वेश्चन में कह रहा था 3 माइनस करने पे वो नंबर हमको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे अब हम लोग प्लस करेंगे 3, जब इसमें 3 रिमाइंडर में बच रहा है ना डिफरेंस कम करने पे, तो इसमें 3 प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 2 6 3, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 1 2 6 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द स्मॉलर नंबर, द लार्जर नंबर 1 और फिर नन। तो कभी भी को प्राइम नंबर का जब एलसीएफ एचसीएफ लेते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है 1 मिलता है, तो को प्राइम नंबर का एलसीएफ एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर देन देयर एलसीएम इज, इसमें कह रहा है ए और बी अगर को प्राइम नंबर है, ए और बी अगर को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इनका एलसीएम ए और बी ही आएगा हमारे पास और कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज, क्वेश्चन 22 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, 2 नंबर का प्रोडक्ट है हमारे पास 2 1 6 0, क्या है 2 1 6 0, इफ द एचसीएफ इज 12 एंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर, एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास 12 और एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ये होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, क्या हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एलसीएम फाइंड करना है हमको तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं इनटू एचसीएफ दिया हुआ है 12 और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है हमारे पास 2 1 6 0, क्या है 2 1 6 0। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारा x मल्टीप्लाई में 12 के साथ है, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2 1 6 0 डिवाइडेड बाई 12, तो हमको क्या मिल जाएगा आंसर 1 8 0, क्या मिलेगा 1 8 0, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 1 8 0 इज अ एलसीएम ऑफ द नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 144 एंड देयर एलसीएम इज 2175, इफ 1 नंबर इज 725 फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन 23 कह रहा है अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ 144 दिया है, एलसीएम 2175 दिया है, उसमें से एक नंबर 725 दिया है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, क्या होगा हमारे पास एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू जो एक नंबर दिया हुआ था और जो दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई में एक्स कर लेंगे, तो एचसीएफ क्या दिया है हमारे पास 144, एचसीएफ है 144, एलसीएम है 2175 और एक नंबर 725 दिया हुआ है और दूसरा नंबर हमको एक्स फाइंड करना है, तो इसको क्या करते हैं एक्स इधर मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में भेज दें, तो 145 मल्टीप्लाई 2175 और ये आ गया डिवाइड में 725 और ये हमको मिल जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू।
145 मल्टीप्लाई 2175 डिवाइड में 725, इसको डिवाइड करें अगर 2 से, 5 से करते हैं तो 5 2 10, 5 9 45, यहाँ भी 5 से किया तो 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25। अब इसको करें फिर यहाँ 29 हो गया और यहाँ पे 145, इधर फिर 5 से कर रहे हैं तो 5 2 10, 5 9 45, 5 4 20, 1 बचा, यहाँ पे किया हमने 5 3 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25। 2 1 7 5 को 5 से डिवाइड किया है, 5 4 20, 1 बचा 7, 5 3 15, 1 बचा 5 एंड 5 यहाँ पे 2 बचा और 5 5 25। तो इसको डिवाइड करने पे हमको आंसर मिल रहा है 435 और ये 29 एंड 29 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको 435। जो दूसरा नंबर हमारे पास होगा वो होगा 435 और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच नंबर 15 20 24 32 एंड 36। क्या निकालना है आपको, लीस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो किससे, 14 से, 15 20 24 32 36। इसमें एलसीएम निकाल लेंगे और हमको आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, इनका जो एलसीएम होगा वही वो लीस्ट नंबर होगा जो इसका आंसर हो जाएगा। तो करें इसको अगर 15 20 24 32 एंड 36, क्या करना है इसका हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम निकाल लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। करते हैं 2 से, 15 ऐसे ही रहेगा, 10 1 बार में 2 बार में, 1 बार में 6 और ये 1 और ye 8, फिर 2 से करें तो 15 डिविजिबल नहीं है, ऐसे नोट करेंगे 2 6 8 9, अगेन विद द 2, 15 1 3 4 9, फिर 2 से करें 15 1 3 2 9, फिर 2 से करें 2 15 1 3 1 9, फिर 3 से करते हैं 3 5 15, 1 and 1 and 1 यहाँ पे 3, फिर 3 से करेंगे ये 5 1 1 1 and 1, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 1, और इन सब का जो फैक्टर होगा मल्टीप्लाई करने पे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 and 16 2 32 32 3 32 3 3 2 6 3 4 12 एंड इसको फिर 12 और 5 से करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 1440। आंसर क्या आएगा, 1440, आंसर इज 1440। लास्ट क्वेश्चन इज 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इज 3 बेल्स टॉल टुगेदर एट द इंटरवल 9 12 15 मिनट्स, दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टॉल। ये कह रहा है 3 बेल है एक साथ बजना, एक एक इंटरवल पे 9 12 15 मिनट के इंटरवल पे बजना स्टार्ट करती हैं, अगर वो फिर से स्टार्ट करें तो वो कब एक साथ फिर से क्या करेंगे, टॉल करेंगे। तो 9 12 और 15 का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, 9 12 और 15 क्या होगा, 9 12 और 15 का हमको एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 से करें तो 2 9 तो डिविजिबल है नहीं, उसको एज इट इज नोट करेंगे, ये 6 बार में और ये 15, फिर 2 से करा तो ये 9 हो गया, ये 3 और ये 15। अब इसमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से कर लेते हैं, 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से करते हैं 3 3 9, 3 1 and 3 5, फिर 3 से करें अगर फिर 3 से करें तो 3 1 1 and 5, फिर 5 से 1 1 1, ये क्या हो गया हमारा, ये आया हमारा
LCM, अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 2 4 4 3 12 12 3 36 एंड 36 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 6 30 कह मैं 3 5 15 16 17 18 क्या मिल गया हमको, 180 क्या आया हमारे पास, LCM आया। अब कह रहा है फिर से ये कब कितने घंटे बाद, मतलब आपको मिनट्स में दिया हुआ है, आवर्स में बताना है, तो मिनट्स में है तो आवर्स में क्या करने के लिए क्या करेंगे, कितने मिनट्स आए हमारे 180, कितना आया है 180 मिनट्स आया है। अब 180 को आवर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 60 से, किससे डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया और 6 1 6 और 6 3 18 कितना आया 3 आया, तो ये 3 घंटा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 3 आर इज अ आंसर। तो 24 तक कंप्लीट हो गया, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 25 था, ये 25 कंप्लीट हो गया एंड ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2F का, तो एक्सरसाइज 2F कंप्लीट एंड 2F कंप्लीट होने के साथ साथ चैप्टर 2 भी कंप्लीट। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, होल नंबर्स, चैप्टर कंप्लीट मार्कर। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2F कंप्लीट और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 3 होल नंबर्स।